patient videos which you saw. जो आज मैं कह रहा हूँ basically it is literature. Literature में से मैंने आज selected few diseases जिनका जो है data मैं I will show you. Basically the point here is that stem cells have application. We can use stem cells treat many diseases. और उनके outcomes जो हैं recently जो literature के अंदर हैं वो उससे मैं आपको introduce कर सकता हूँ. Cellular paralysis. So इसका नाम ही मैंने headlines रखा है कि जो stem cells की जो latest research है जो आ रही है therapeutics उनमें क्या क्या हो रहा है. So cerebral palsy के मैंने भी बहुत सारे patients किए हुए हैं. मैं डॉक्टर में पूछा होगा जिनको कल आपने सुना था. अलहमदिल्ला हमारे अपने रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्लाइड इज. मैंने नीचे लिंक्स भी दे दिए हैं इफ पीपल वांट टू लुक एट इट फर्दर अप ऑन द नेट इन मोर डिटेल ऑन योर पोस्ट पर कर दूंगा दैट. सो बेसिकली जो कॉग्निटिव डिजीजेस हैं उनके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल रहा है. एस वी एफ इंजेक्टेड स्ट्रेट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. तो जो आपका हमारा स्पाइन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके साथ ही ये सेल्स ऊपर चले जाते हैं द ब्रेन और वहाँ पे जाते हैं कैन परफॉर्म देयर जॉब. कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं कि हम वी डोंट वांट एन लीकल इंजेक्शन. यू कुड यूज इंट्रावीनस विद मैरिटॉल दैट लूजन अप द ब्लड ब्रेन बैरियर लेकिन उसकी एफिकेसी बहुत कम आती है. वी हैव बीन ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज यंग एज फ्यू मंथ्स ओल्ड इंजेक्टिंग इंट्राथीकली मेसेनकाइमल एसवीएफ एंड दे हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड लाइक अल्लाह करे. ओके सो दिस इज ये स्ट्रोक का डेटा एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेज जो हैं पाकिस्तान में उनका जो लिटरेचर मुझे मिला था. इफ यू एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस इज अ मेटा एनालिसिस. सात स्टडीज को उन्होंने कंबाइन करके जो है डाटा प्रेजेंट किया. इन मेनी केसेस यू कैन सी देयर इज नो चेंज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. ये ताइवान की स्टडी है. इंडिया में जब दे डिड दिस स्टडी और दे डिड नॉट सी एनी सिग्निफिकेंट चेंज. नॉन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ये स्पेन की स्टडी है. अगेन इंडिया में एक और स्टडी है जिसने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया. साउथ कोरिया में अगेन दिस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. अमेरिका की जो स्टडी है इट इज नॉन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. लेकिन इसे जो मैं आपको एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इसके आपने ये जब लिटरेचर पढ़े हो प्लीज कीप इन माइंड कि जब आपको वेरिएबल रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं प्लीज डू पे अटेंशन कि कौन सा सेल था कौन सी सेल टाइप थी एंड कौन सा स्टेम सेल उन्होंने कौन सा यूज किया बेसिकली एंड उसका रूट क्या रखा है. वाज इट डन इंट्राथीकली. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रासेरेब्रल लगाया इन्होंने आर्टरी में लगाया और देयर 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 इज नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. सो दीस डिटेल्स आल्सो मैटर वेरी मच. तो जब आप लिटरेचर को देखते हो फॉर पर्टिकुलर डिजीज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन प्लीज आल्सो कंसीडर कि रूट क्या थी. इंट्रावीनस थी इंट्राथीकल थी इंट्रासेरेब्रल थी या कहां पे थी.